परमाणु उद्योग संघ ने शहर के पहले प्राइवेट वैक्सीनेशन कैंप के माध्यम से परमाणु उद्योग से जुड़े 4000 लोगों के जीवन को कोरोना महामारी से सुरक्षित करने का बीड़ा उठाया है। यह कहना है परमाणु उद्योग संघ के महासचिव सार्थक तनेजा का। वे परमाणु उद्योग संघ के पहले प्राइवेट वैक्सीनेशन कैंप के उद्घाटन अवसर पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि 4000 लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा है, जिसका सारा खर्चा परमाणु उद्योग संघ उठाएगा। उक्त कैंप में प्रतिदिन 250 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। इस मौके पर संघ के प्रेसिडेंट सुनील तनेजा, उपाध्यक्ष गगन कपूर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। आज परमाणु उद्योग संघ ने अपनी मेंबर इंडस्ट्रीज के कामगारों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज करवाया है। ये परमाणु का पहला प्राइवेट वैक्सीनेशन कैंप है, जहाँ पे इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ को मुफ्त वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराई जा रही है अपनी इंडस्ट्री की तरफ से। और आज हम कोविशील्ड वैक्सीन ब्रुकलिन हॉस्पिटल के साथ टाइम करके यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। कितना लगेगा सर? हम लोग 250 वैक्सीन पर डे का टारगेट रख रहे हैं, एंड क्योंकि परमाणु में 7 से 8 हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं, हमने अभी टारगेट रखा है 4000 एम्प्लॉयज़ वैक्सीनेट करवाने का, और जरूरत पड़ेगी तो इसको आगे और बढ़ाएंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए परमाणु से कुलदीप कृष्ण की रिपोर्ट।